तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम 20 मूवी अपडेट्स के बारे में जो कि हॉलीवुड की हैं या फिर सुपर हीरो मूवी हो सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहली मूवी जो होने वाली वो हमारी होने वाली है स्पाइडरमैन 3। स्पाइडरमैन 3 में जो जेंडाया है जो MJ का रोल प्ले करती है वो रिटर्न कर रही है MJ। स्पाइडरमैन 3 में हमको देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, देखते हैं कैसा रहता है। चलिए तो अगले टॉपिक के ऊपर पढ़ते हैं। तो जो अगला टॉपिक है वो है वुल्वरिन से रिलेटेड। जो ह्यूग जैकमैन है जो वुल्वरिन का रोल प्ले करते थे, तो उन्होंने उन जो हमारे इटर्नल्स के एक्टर हैं कुमेल नंजियानी, उन्होंने अभी ट्रांसफॉर्मेशन किया अपने रोल के लिए। तो ह्यूग जैकमैन ने रिएक्ट दिखाया कि वुल्वरिन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी की है, दैट्स कूल मैन। बल्कि वो वुल्वरिन के लिए नहीं की, उन्होंने अपनी मूवी के रोल के लिए की है, लेकिन वुल्वरिन टॉन्ट मारते हुए बोला। द बैटमैन मूवी का प्रोडक्शन को जो है रोक दिया गया है। वार्नर ब्रदर्स की तरफ से अनाउंस किया गया है कि 2 हफ्ते तक का प्रोडक्शन को होल्ड कर दिया गया है ड्यू टू द कोरोना वायरस कंसर्न्स। जो मैट्रिक्स की द बैटमैन मूवी है वो हमारी एक्सपेक्ट है थिएटर्स में आने के लिए 25 जून 2021 के लिए। जब थोर स्टैनली के द्वारा बनाया गया तो उन्होंने ये सोचते हुए उसको डिज़ाइन किया था कि वो ज़्यादा पावरफुल हो हल्क से, क्योंकि उस टाइम पे जब थोर इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया था, जब थोर नहीं बनाया गया था, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल हल्क ही था। और उसको गॉड इसलिए बनाया गया क्योंकि एक गॉड ही है जो कि हल्क को हरा सकता है, इसलिए उसको गॉड ऑफ थंडर का नाम मिला थोर। अब फ्रोजन 2 भी डिज्नी प्लस पर स्ट्रीम कर रही है US में, लेकिन कनाडा, नेदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ट्यूसडे को होगी, और इंडिया में जो डिज्नी प्लस आएगा वो 29th मार्च से आएगा हॉटस्टार के थ्रू। महर्षला अली की जो ब्लेड मूवी है वो मार्वल स्टूडियोज़ की ब्लेड मूवी फेज 5 में आएगी। उसकी रिलीज डेट अभी तक कंफर्म नहीं करी गई है, लेकिन जो लीड एक्टर है वो महर्षला अली ही रहेगा, और ये काफ़ी ज़्यादा R-rated रहने वाली है, अच्छी मूवी होने वाली है ये। अगला जो अपडेट है वो ब्लैक पैंथर 2 मूवी से। एंजेला बैसेट टीज़ेस अ स्पॉइलर फॉर द सीक्वल गाइस। ब्लैक पैंथर मूवी वॉज द ब्लॉकबस्टर, एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी वो, लेकिन जो इसका सीक्वल है वो आएगा हमारा 2022 में आएगा फर्स्ट वीक ऑफ मई, तो देखना ज़बरदस्त रहेगा। नेक्स्ट अपडेट है DC से। जो वंडर वुमन 84 मूवी आ रही है अभी, तो उसमें जो गोल्डन ईगल आर्मर है ना उसका, वो रिवील कर देगा एक मोशन पोस्टर के थ्रू, और ये मूवी 5 जून को आएगी इसी साल। अगला अपडेट जो है वो मार्वल की स्पाइडरमैन 3 मूवी से। जो स्पाइडरमैन 3 मूवी है ना वो इसी साल यानी कि 2020 की जुलाई से ही फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी उसकी, और जो उस मूवी की जो स्टोरी है वो इनसेन है अकॉर्डिंग टू टॉम हॉलैंड जो कि लीड एक्टर है जो स्पाइडरमैन का रोल प्ले करता है। अब ये अपडेट जो है ये है हमारा Fast & Furious 9 मूवी से। इस मूवी की जो रिलीज डेट है ना वो पोस्ट कर दी गई है आगे को। यह मूवी जो रिलीज होनी है 2021 में रिलीज होनी है ड्यू टू द कोरोना वायरस डिले, इसकी वजह जो है कोरोना वायरस है, और ये जो मूवी अब रिलीज़ होगी अप्रैल 2021 में रिलीज़ होनी है ये मूवी। अब जो लोकी की सीरीज़ आने वाली डिज्नी प्लस पर, उसका प्रीमियर बता दिया गया है कब से स्टार्ट हो जाएगा। डिज्नी प्लस सीरीज़ जो है कंफर्म कर दी गई लोकी की 2021 के लिए, 2021 से थोड़ा पहले ही मतलब इसका प्रीमियर स्टार्ट हो जाएगा। इस कोरोना वायरस की वजह से एक बैड न्यूज़ और आई है गाइस, फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर का जो प्रोडक्शन है उसको बंद कर दिया गया है, और ये बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है क्योंकि फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर हमें लग रहा था हमें इसी साल देखने मिल जाएगा डिज्नी प्लस पे। और डिज्नी का जो एवेंजर कैंपस है ना वो हमारा July 18 से उसकी ऑफिशियली ओपनिंग हो रही है। दारोक की और एमिली ब्लंट की नई मूवी आ रही है जंगल क्रूज, इसका दूसरा जो ट्रेलर है वो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया, और गाइस कसम से बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा अमेजिंग ट्रेलर है, मैंने देखा, आप लोग भी देखना, और मूवी भी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। इस मूवी में बहुत सारे एडवेंचर्स दिखाए जाएंगे हमारे डिज्नीलैंड के। नेक्स्ट अपडेट जो है हमारा वो है हमारा थोर लव एंड थंडर में जो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी है ना हमारी, वो हमें हमारी फीचर होने वाली है इसके अंदर। ये रिवील किसके थ्रू किया गया है, ये रिवील किया गया है विन डीजल के थ्रू, और ये मूवी रिलीज़ होगी 5 नवंबर 2021 को। जेम्स गन जो कि डायरेक्टर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के दोनों पार्ट्स के, वो जो ग्रूट का जो डांस था ना बेबी डांस, वो उन्होंने खुद ही किया था। टेड जो है ये हमारा टास्क मास्टर से। ये जो ब्लैक विडो की हाइप जो क्रिएट की है ना टास्क मास्टर ने, ये अलग ही लेवल की है, और जो लोग इसके दीवाने हो रहे हैं इस मूवी के टास्क मास्टर की वजह से हो रहे हैं, और ये मूवी भी ब्लॉकबस्टर होने वाली है, 1.5 बिलियन से ऊपर कमाई करेगी ये। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है ऐसी है र्यूमर है ये क्रेवन द हंटर जेसन मोमोआ, देखने में कैसा लग रहा है बताना जरूर कमेंट करके। अगले साल आने वाली बैटमैन मूवी में, द बैटमैन मूवी मैट्रिक्स की, उसमें वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ ये लड़की भी होगी, और इन दोनों के सूट रिवील कर दिए गए हैं, देखने में कैसे लग रहे हैं बताना जरूर। नेक्स्ट अपडेट है
प्रोफेसर हल्क से, जो मार्क रफेलो जो हल्क का रोल करते हैं ना एमसीयू के अंदर, वो बोल रहे थे, वो मतलब चाहते हैं कि उनको एक प्रोफेसर हल्क की पूरी मूवी दी जाए। लेकिन गाइस ऐसा हो नहीं सकता यार, क्योंकि जो यूनिवर्सल है उसके पास हैं हल्क के राइट्स, तो इस वजह से नहीं हो सकता। अगर हल्क के ऊपर मूवी बनानी है तो इनको डिज्नी प्लस पे बनानी पड़ेगी सीरीज़ के टाइप में, तो चल सकता है, मज़ा भी आएगा। आने वाली फ्यूचर की एमसीयू मूवीज़ में हमें मॉर्डोक विलेन दिखेगा, लेकिन ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी है एंटमैन 3 मूवी में दिखने की। ये मार्वल का फिक्शनल सुपर विलेन कैरेक्टर है, जो कि हमें मार्वल की मूवीज़ में बहुत ही जल्द दिखने वाला है, तो बहुत मज़ा आएगा। देखने में कैसा लगेगा बताना ज़रूर, आप कमेंट करके बताओ यार, आगे के टॉपिक्स के लिए सजेस्ट कर दो कुछ अगर आपको जानना हो तो।